शर्मनाक हार से भर के धोनी ने घोषित की दूसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11। अचानक शामिल किया सूर्या का बाप। जी दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में मिली शर्मनाक हार से भारतीय टीम के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी काफी भड़के हुए हैं और गुस्से में खुद उन्होंने दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 तैयार की है, जहां पर धोनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, धोनी ने कैरेबियाई टीम को हराने के लिए किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है और किस खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है, बताएंगे पूरी खबर। तो अगर आप भी धोनी के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट और वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया टी20 सीरीज का आगाज भी जीत के साथ ही करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। तिलक वर्मा और मुकेश कुमार ने टी20 में डेब्यू किया तो अर्शदीप सिंह की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई। कुल मिलाकर हार्दिक पांडे की कप्तानी में एकदम यंग टीम मैदान पर उतरी थी। इस यंग टीम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, मगर टीम और फैंस ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया और जो नहीं सोचा था वो हो गया। दोस्तों, वेस्टइंडीज को 149 रन पर रोकने के बावजूद टीम इंडिया मुकाबला हार गई। शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन सब फ्लॉप रहे। बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन हार की वजह है। एक समय मुकाबले में टीम इंडिया वापसी करती नजर आ रही थी, मगर खराब बल्लेबाजी ने टीम की लुटिया डुबो दी। वहीं इस शर्मनाक हार ने भारतीय फैंस के साथ दिग्गजों का भी दिल तोड़ दिया है। तो वहीं धोनी तो इस हार से काफी गुस्से में नजर आए, और हो भी क्यों ना। कमजोर वेस्टइंडीज टीम से अगर आईपीएल के स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम हार जाएगी तो हर किसी को गुस्सा ही आएगा। वही अब दूसरे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया को हर हाल में वापसी करना है, इसलिए इस बार खुद धोनी ने दूसरे टी20 के लिए टीम चुना है। दोस्तों, धोनी ने ओपनिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। एक बार फिर ईशान और सुमन गिल ही भारतीय पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। पहले टी20 में फ्लॉप होने के बाद इन दोनों ओपनर से इस बार अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। वही दोस्तों, तीसरे नंबर पर बदलाव किया गया है। पिछले कई मैचों में फ्लॉप हो रहे सूर्यकुमार यादव को दूसरे टी20 में तीसरे नंबर पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनकी जगह पर संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, संजू तीसरे नंबर पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं, जबकि सूर्या चौथे नंबर पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं। इसी को देखते हुए इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की बैटिंग ऑर्डर में बदलाव धोनी ने किया है। वहीं पांचवें नंबर पर तिलक वर्मा और छठवें नंबर के लिए कप्तान पांड्या को धोनी ने चुना है। वही दोस्तों, गेंदबाजी यूनिट की बात करें तो इस मुकाबले के लिए अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल के रूप में दो स्पिन गेंदबाज होंगे, जबकि तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और उमरान मलिक को दूसरे टी20 के लिए धोनी ने मौका दिया है। दोस्तों, इस मुकाबले में कुलदीप यादव को धोनी ने आराम दिया है और उनकी जगह पर एक तेज गेंदबाज को मौका दिया है, जो उमरान मलिक है। तो दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में उतरेगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।